पूरी गाड़ी का हाल देखो क्या हो रहा है भाई। पूरी गाड़ी खोल दी भाई इन्होंने, देखना भाई ये खुला पड़ा है, डोर गायब है, डैशबोर्ड खुला पड़ा है, सब कुछ भाई पूरी गाड़ी खोल दी है भाई। ये यहाँ पे जो है इसका सारा सामान खुला पड़ा है। हेलो दोस्तों, मैं नाम है सुमित कटारिया। तो भाई क्या हाल चाल है आपके, आई होप आप सब जो बढ़िया होंगे। तो भाई गाड़ी देख के समझ गए होंगे कि मैं आज कौन सी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ। ये है अपनी टिगोर, और भाई आपकी डिमांड थी कि भाई टिगोर पे वीडियो लेके आओ। आपने टिगोर से स्टार्ट किया था चैनल, मैं पहले टिगोर पे वीडियो बनाया करता था, मेरे पास टिगोर भी है। अच्छा, जो चैनल पे नहीं है ना उनको मैं बताता हूँ, मेरे पास टियागो भी है ऑटोमेटिक, मेरे पास टिगोर भी है, मेरे पास एल्ट्रोज भी है, मेरे पास नेक्सोन भी है, और पंच आस पड़ोस में भी हैंगी, तो वो भी मैं अपनी समझ लेता हूँ। बाकी ये चार गाड़ी तो मेरी अपनी है खुद की। बाकी भाई आज जो है टिगोर को मैं लेके जा रहा हूँ सर्विस सेंटर पे। भाई घबराओ मत, नहीं गाड़ी में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ओवर द टाइम चीजें हो जाती है ना, जैसे कि अभी इसकी जो है ना कूलिंग कॉइल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इसमें से जो है भाई गैस लीक हो चुकी है एसी की, तो इसका एसी काम नहीं कर रहा है और मेरे को उसकी कूलिंग कॉइल चेंज करानी पड़ेगी। अब ये डिपेंड करता है कि जो लोग ना कहते हैं, हालांकि कहते हैं क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरा ना नाले के पास घर है, जिसकी वजह से होता है क्या है कि कुछ ऑक्सीडाइड ऐसे कुछ हो जाता है, कुछ चीजें मतलब खराब हो जाती है, एसी की जो चीजें होती है ना कॉपर की, वो चीजें खराब हो जाती है, उसमें जो लीकेज आ जाती है। जैसे मेरे घर का एसी भी है 3 या 4 साल चलता है, उसके बबाद वो भी खराब हो जाता है, तो मेरे को हर 3-4 साल बाद घर का एसी भी चेंज कराने पड़ते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा गैसेस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरी गाड़ी का जो है ये एसी मतलब खराब हो चुका है, इसकी कूलिंग कॉइल चेंज होगी, तो वहां पहले मैं दिखवाऊंगा। अभी उन्होंने बताया कि शायद हो सकती है, बट कहीं ना कहीं चेक करवाऊंगा ठीक से और फिर दिखाऊंगा। कहाँ पे जा रहा हूँ आपको पता है, श्रीवासु टाटा मोटर्स मेरठ के अंदर कराता हूँ, वो अपना घर सा ही हो गया, क्योंकि भाई सारी गाड़ी वहीं जाती है, अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। हाँ एक दो बार ऊपर नीचे हो गया, बट कोई बात नहीं यार, चलता है। अभी ना बहुत सारी मैं रील देख रहा हूँ एक भाई की, जो क्रिटिसाइज कर रहा है टाटा की गाड़ी को, तो मैं भाई से एक बात बोलता हूँ, भाई ये देख गाड़ी कितनी चल गई है, ये 81,000 मतलब 82,000 आप मान के चलो। स्पेशल बात बताऊं क्या है, इस गाड़ी को ना मैंने रगड़ा है भाई, पीछे की सीटों पे टाइल भर भर के, आटे के कट्टे भर भर के, सीमेंट के कट्टे आ रहे हैं इसके अंदर, उसके बाद भी आज तक एक भी शॉकर चेंज नहीं हुआ इस गाड़ी का। शुरुआत में एक बार हुआ था, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आया था, बट उसके बाद से भाई इस गाड़ी के ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ब्रांड न्यू चल रही है भाई। हाँ तो मैं कहा था, पुलिस वाले खड़े थे, तो भैया मेरे को देख रहे थे जब मैं फोन चला रहा था। तो एक गाड़ी के अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सेटिस्फाई हूँ। हालांकि मेरी जो एल्ट्रोज है उसका इंजन चेंज हो गया था 13-14,000 किलोमीटर पे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया था उसके अंदर, कोई बात नहीं। बट ऐसा नहीं है कि भाई टाटा की गाड़ी रिलायबल नहीं है, आप खुद ही देख लो भाई, अच्छे खासी चल रही है। अगर ये देखो थर्ड गियर के अंदर अभी पुल करूंगा ना, तो अच्छी तरीके से पुल करती है, कोई इंजन में प्रॉब्लम नहीं। वो खुद शॉक्ड हो जाते हैं यार सर्विस सेंटर वाले कि भाई इतनी साफ सुथरी गाड़ियां आती है ना मेरी, क्योंकि मैं केयर करता हूँ, एक्स्ट्रा केयर करता हूँ उनकी। ऐसा नहीं कि भाई 15,000 किलोमीटर पे तेल चेंज होता है तो मैं 17 पे करवा रहा हूँ, 14-13 तक मैं करवा देता हूँ जो इनकी सर्विस का शेड्यूल होता है। अब जो है सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ, क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या होगा इस गाड़ी को, जहां तक है मेरे को छोड़ना भी पड़ सकता है, तो मैं घर से एल्ट्रोज मंगवा लूंगा, एल्ट्रोज की भी वॉशिंग भी करानी है, जो भी होगा सब वो बता दूंगा, आप सारी चीज अभी बता दूंगा, तो क्या दिखाऊंगा फिर आगे, तो मिलता हूँ अभी आगे आपसे। बाकी ये रही अपनी टिगोर, और मैं मिलता हूँ सर्विस सेंटर पे। तो भाई सर्विस सेंटर आ गया हूँ, ये रहा श्रीवासु टाटा मोटर्स, और आज भीड़ बहुत है भाई, गेट तक गाड़ी लग रही है, अगर आप देखोगे ना टाइम लगेगा भाई, देखते हैं अब क्या रहता है आगे, देखना कितनी भीड़ है, वॉशिंग भी भीड़ है, इधर भी भीड़ है, मतलब भीड़ ही भीड़ लग रही है, देखो भाई कितना टाइम लगता है। तो भाई अब अपडेट ये है अपनी टिगोर का कि भाई उस दिन कोई भी अपडेट नहीं था, तो मैं 2 दिन बाद आया हूँ। उस दिन मैंने गाड़ी छोड़ दी थी क्योंकि सर्विस सेंटर वालों ने ये बोला था कि भाई आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर लंबा काम था, बाहर से कोई एसी के अंदर लीकेज निकली थी, तो इन्होंने बोला था कि भाई इसका डैशबोर्ड खुलेगा, कूलिंग कॉइल निकलेगी, उसके बाद जो है जाके भाई पता चलेगा। तो अब मैं 2 दिन बाद आया हूँ, तो अपडेट आपको अब दे रहा हूँ, क्योंकि भाई कोई फ़ायदा नहीं था, मैं आपको क्या बोलता कि भाई मैं गाड़ी को छोड़ के आ गया बस डेट सेट, भाई कंटेंट में दम होना चाहिए ना, तो इसलिए भाई आप ये देखो गाड़ी पूरी ऑल ओवर खुली पड़ी है। मेरे को बता दिया है कि भाई इस गाड़ी की अपनी कूलिंग कॉइल खराब निकली है, लीकेज है उसके अंदर, और कोई दिक्कत की बात नहीं कि भाई 4 साल 4.5 साल के अंदर कूलिंग कॉइल खराब हुई, कोई बात नहीं, क्योंकि भाई ये चीज़ ना डिपेंड करती है आपकी एरिया पर भी। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग जो एसी वाले हैं ना वो बात भाई रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर कोई मेरा भाई देख रहा होगा वो एसी का काम करता होगा, मेरा ना घर नाले के पास है, तो वहाँ पे कुछ गैसेस निकलती है जिसकी वजह से एसी
ख़राब हो जाता है, लीकेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरे घर का एसी भी चाहे मैं नया भी लगवाऊंगा ना, 3 साल के अंदर ख़राब हो जाता है, लीकेज आनी शुरू हो जाती है, कॉइल ख़राब हो जाती है। अब ये गाड़ी पूरी खुली हुई है अपनी टिगोर, आगे से कोई लीकेज नहीं निकली, पर ऑल ओवर इन्होंने सब कुछ यहाँ पे खोल रखा है। डैशबोर्ड भाई मेरा तो नहीं है, ये वाला ये अल्ट्रोस का, इसका भी भाई खुल रहा है, किसी और की अल्ट्रोस है। बाकी आप ये देख लो, ये यहाँ पे जो इसका सारा सामान खुला पड़ा है, ब्लोअर वलोअर ये सब कुछ। तो भाई पूरी गाड़ी खोल दी, थंबनेल में मैं यही डालने वाला हूँ कि भाई ये सब कुछ है। बाकी अब रीफिट करेंगे, कमी तो पता चल गई है, कूलिंग कॉइल का है, क्या खर्चा आएगा वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। और भाई देखो ऐसी वीडियो में ना मेहनत लगती है, मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि भाई एक जगह बैठ के एसी चला के आपको सारी राम कथा सुना दूंगा कि भाई गाड़ी के अंदर ये हुआ वो है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आपको चीज़ें दिखाऊँ, जिससे कि आपको भाई अगर कोई बंदा ये गाड़ी ले रहा है या फिर कोई और भी गाड़ी ले रहा है, एक्सवाइजेड कुछ भी है, तो उसको ना यार चीज़ें पता होनी चाहिए, देख के ना ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। भाई इतने पार्ट्स ना यहाँ पे रीटेक लेने पड़ेंगे मेरे को, रीटेक क्या इतने पार्ट्स लेने पड़ेंगे ना वीडियो बनाने में, मेरे भाई हालत ख़राब हो जाती है। बट उसके बावजूद भी आप चैनल को भाई सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के अंदर, परमिशन लेनी पड़ती है, सारे काम करने पड़ते हैं। अब जो है भाई क्या अपडेट रहता है मैं आपको बता दूंगा, क्या खर्चा आएगा वो भी बता दूंगा। बस इतना पता चला है कि कूलिंग कॉइल 4,500 रुपये की समथिंग की है, बाकी जो भी है सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। पूरी गाड़ी का हाल देखो क्या हो रहा है, भाई पूरी गाड़ी खोल दी भाई इन्होंने, देखना भाई ये खुला पड़ा है, डोर गायब है, डैशबोर्ड खुला पड़ा है, सब कुछ भाई पूरी गाड़ी खोल दी है भाई। चलो भाई आगे मिलते हैं, जो भी इसका अपडेट रहता है फिर मैं आपको बता दूंगा, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो भाई अपनी गाड़ी की कूलिंग कॉइल आ गई है नई, जो कि ये है, ये इसके अंदर फिट होगी। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो भाई आप खुद ही देख लो, BS4 मॉडल है ये, शायद BS6 के अंदर चेंज है, तो BS4 मॉडल की देख लो, 3200 रुपये की आपके मान चलो, 3250 रुपये की ये अपने रहने वाली है। बाकी जो भी चार्जेस होंगे वो आपको मैं बता दूंगा। तो फिलहाल अपडेट ये है कि भाई कूलिंग कॉइल आ गई है, काम स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। बाकी इस गाड़ी की भी कूलिंग कॉइल जो है लीकेज निकली है, तो भाई आप ये पार्ट देख लो, और अपनी पुरानी वाली जो है अभी ये लेके गए हैं, वो आपको मैं अभी आगे दिखा दूंगा। तो भाई अब अपडेट ये है, पूरी जो है फिटिंग कर दी है, अब आखिरी की फिटिंग बच रही है, जो नट्स वट्स लगा रहे हैं, डैशबोर्ड इसका लगा दिया है, सारे काम कर दिए हैं इसके अंदर, ठीक है, कूलिंग कॉइल सब कुछ लग गया भाई पूरा। ना यार मेरा ना बिल्कुल दिल टूट जाता है जब अपनी गाड़ी को खुला हुआ देखता हूँ, यार हम कार एंथूजियास्ट हैं, हमें लगता ही है कि अपनी गाड़ी पे एक स्क्रैच भी आ जाता है ना तो लगता ही है, बट कहीं नहीं, जो भैया इसको कर रहे हैं ना वो काफ़ी जो है बढ़िया है, अभी वो उधर हैं तो वो तरीके से जो है फिट कर रहे हैं। अब अपने सामने इसलिए भी करा रहा हूँ कल को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि भाई कभी कोई एक बोल्ट ढीला छूट जाए या कुछ हो जाए, उस वजह से गाड़ी के अंदर आवाज़ आ जाती है। तो ऑल ओवर सब कुछ ये देख लो आप खुला हुआ है यहाँ पे, भाई कई घंटे हो गए अभी तक मैंने खाना तक नहीं खाया, क्योंकि भाई मेरे को प्रॉपर सब कुछ वो लेना था, अगर मैं टाइम दिखाऊँ तो ये रहा। तो भाई सब कुछ अभी चेकआउट करो, बाकी ये फॉर्म वॉर्म अच्छी तरीके से अंदर लगा दी है, जिसकी वजह से भाई आवाज़ ना आए, तो प्रॉपर आप अच्छी तरीके से यहाँ से देख सकते हैं। अब जो है ये फिट विट हो जाती है, फिर जो आपको मैं अपडेट देता हूँ कि भाई क्या इसका अपडेट रहने वाला है। तो भाई अब अपडेट ये है, इसके अंदर प्रेशर डाल के छोड़ रहे हैं कि इसके अंदर कोई लीकेज है या नहीं, ये देख रहे हो ना भाई, ये सब अपना जो प्रेशर डाल रखा है, कि दोबारा से रीचेक करना पड़ेगा ना सारे जॉइंट्स खोले थे। ऑल ओवर अभी बस इसका सारा सामान ऑलमोस्ट फिट है, बस ये डैशबोर्ड वैशबोर्ड तो लग ही गया है, इसका स्टेयरिंग भी लग जाएगा, तो ये सारी जो है पैक तो कर दी है। बाकी गाड़ी आज तो मिलने की नहीं, गाड़ी मिलेगी कल, बट सारे काम कर दिया, अभी चेकिंग पे है, इसमें प्रेशर डाल के 1-2 घंटे छोड़ेंगे, और टाइम भी देखो अब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है 4:21 हो रहे हैं, कब गाड़ी मिलेगी, तो मैंने कहा कि कल ही मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भैया कल मिलेगी गाड़ी, तो तरीके से कर देना बढ़िया। बाकी ऑल ओवर ये देख लो, ठीक अपना जो है ये सारा चल रहा है काम, गेट वेट तो ऑल ओवर यार सही है तरीके से, जो है अपना कल ले लूँगा मैं गाड़ी, और देखो कल शायद इसकी सर्विस भी करवाऊँगा मैं, यहीं सर्विस का भी टाइम हो रहा है, बहुत सारे काम है, आज पूरा दिन लग गया है। तो भाई मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, नहीं नहीं इसे एंड नहीं करते, इसमें जो है कल एंड करेंगे, तो ये वाला पार्ट लेके चेक वेक करके फिर एंड करता हूँ। तो भाई आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अब कल। तो भाई आज है नेक्स्ट डे, और भाई मैं सर्विस सेंटर पर आ गया हूँ, टाइम की अगर मैं बात करूँ तो भाई क्या टाइम हो रहा है, 1:48। गाड़ी के जो है दरवाजे लगने स्टार्ट हो गए, एसी का काम तो हो गया है, बस इसका जो है अब थोड़ा सा स्टेयरिंग का देखेंगे, क्योंकि भाई स्टेयरिंग खोला था ना तो अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है। बाकी ऑल ओवर एसी मैंने चला के देखा है, बढ़िया वर्क कर रहा है, एक एक चीज़ वर्क कर रही है, और अभी मैं टेस्ट करूँगा जब पता चलेगा, बस थोड़ा बहुत जो मैंने चेक करा है वो जो है बढ़िया है। बाकी भाई इधर वाला दरवाज़ा निकला हुआ है, और उधर वाला जो है वो हो रहा है,
और सारा सिस्टम ना ठीक से बांध दिया, बिल्कुल ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई ऑल ओवर तो जब भी पता चलेगा जब गाड़ी चलेगी, ठीक है। कंप्लीट होती है, बाहर निकलती है, जब टेस्ट ड्राइव पे लेके जाता हूँ इसे, फिर मैं देखता हूँ कि भाई गाड़ी के अंदर क्या रह रहा है, ठीक है। बाकी एसी चला के देखा, कूलिंग जो है सही आ रही है अभी तो भाई आगे मिलता हूँ अभी आपसे। अपनी गाड़ी जो है हो गई है तैयार, बाकी जो है भैया ने करी थी ये गाड़ी तैयार। हो गई भैया? बिल्कुल तैयार। एसी वेसी तगड़ा कर दिया? हाँ, वो तो दिख ही रहा था। बाकी भाई पूरी ऑल ओवर फिटिंग होके, वॉश वॉश होके गाड़ी अपनी आ गई है। बाकी आप भाई देख लो, अब देखना क्या है, बिल इसका बन गया है 3200 कुछ रुपए की। तो भाई इसी कूलिंग कॉइल थी, अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊं। बाकी लेबर चार्ज 3500 समथिंग का लगा है, तो मोटे मोटे तौर पे 7 से 8 हज़ार रुपये का इसमें खर्चा आ गया है। अभी मेरे पास रफली उन्होंने मेरे को बताया, बट 7 से 8 हज़ार रुपये का इसमें खर्चा आ गया है। मैं जो एक बार बिल की जो कॉपी लगा दूंगा। बाकी ऑल ओवर भाई आप देख लो, ठीक है, गाड़ी अपनी रेडी हो गई। राजन भाई ने करी थी, राजन भाई बिल्कुल रेडी हो गई। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बस एकदम फर्स्ट क्लास कूलिंग होगी। वैसे तो बाहर निकलवा दो अपना और फिर हम चले। 3 दिन में गाड़ी हो गई यार अपनी, कोई दिक्कत ही नहीं ना कोई वो, और उसमें डिस्काउंट भी कर दिया लेबर चार्ज के अंदर, तो ऐसे मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं हुई। वरना बिल इसका 9-10 हज़ार रुपये का बन रहा था, तो अब 7-8 हज़ार रुपये का इसका बिल बना है। बाकी अभी जो है मैं आपको दिखा दूंगा जो भी रहेगा। तो भाई अब अपडेट ये है, गाड़ी की जो है मैं अपनी टेस्ट ड्राइव भी कर ही आया हूँ, सारे काम कर ही आया हूँ, स्टेयरिंग वेयरिंग सब जो है इसका लग गया है। उसके बाद ऑल ओवर आप लुक देख लो इसका, बढ़िया आ रहा है। बाकी राजन भाई ने बड़ा सपोर्ट किया, राजन भाई बहुत बहुत धन्यवाद गाड़ी हमारी कराने के लिए। 3 दिन के अंदर गाड़ी करवा दी यार तुमने। हाँ, बाकी थोड़ा सा परेशान तो मेरे को करते हो तुम, ठीक है। बाकी ऑल ओवर सब कुछ साफ सुथरी हो गई है। बाकी ना यार इसका ना एसी का जब आपको पता चलेगा, जब ना कुछ 20-25 दिन ये चल जाएगी, तो ऑल ओवर अभी तो फिटिंग विटिंग एसी वेसी बढ़िया चल रहा है। 20-25 दिन बाद मैं आपको ऑल ओवर रिव्यू दे दूंगा कि भाई इस गाड़ी के अंदर मेरा क्या क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और मतलब बढ़िया काम हुआ है ना। बेसिकली क्या है कि जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी जब भी पता चलेगा एसी का। अभी तो थोड़ा ठंडा सा मौसम है, क्योंकि अभी आज 27 तारीख है यार, 28 तारीख है या 26 तारीख है फरवरी की, मेरे को ध्यान नहीं है। तो गाड़ी जो अपनी चल दी, सब कुछ जो है ओके साफ वाफ करके दिया, ऐसा नहीं कि ऊपर से पूरी साफ वाफ करके दी है ये गाड़ी, सब ट्रिम व्रिम क्योंकि गंदी हो गई थी। तो ऑल ओवर डैशबोर्ड में से आवाज़ आ रही थी, तो डैशबोर्ड की आवाज़ भी ठीक कर दी और सब कुछ नया ठीक है। ये थोड़ा सा वो लग रही है पॉलिश, तो इतना कोई माइंड नहीं है। यही था इस वीडियो के अंदर, आई होप आपको जो है पता चल गया होगा भाई गाड़ी के अंदर क्या क्या हुआ। हाँ, प्राइस आपको मैं बता दूँ, प्राइस तो मैं भूल गया, इसका बिल आया फिर 7 हज़ार रुपये का, ठीक है। शुभम दिखाइए कितने का बिल आया इन्होंने जो है, फिर मेरा बिल ये इतने रुपए का है, 7 हज़ार रुपये का टोटल लेबर कॉस्ट ये सब कुछ मिला, गैस वैस सब कुछ मिला के, ठीक है। थोड़ा डिस्काउंट था, मेरे पास कूपन भी था, तो वो मैंने कूपन भी अप्लाई कर दिया था। वो डीलरशिप डिपेंड करता है, बहुत सी डीलरशिप कूपन वूपन प्रोवाइड करा देती है अपने, तो मेरा इतने रुपये का खर्चा आया, ज़्यादा का कोई खर्चा नहीं आया। तो कोई दिक्कत नहीं यार, 4 साल के अंदर कूलिंग क्वालिटी खराब हुई है, तो ऐसे कोई मेजर कोई चीज़ है नहीं। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय, ध्यान रखें, भाई को भी जाना है।